स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन का स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन। और आपको बता देना चाहेंगे हम कि यह 6 नंबर लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 5 क्लास कर ली है और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को हम लोगों को मिला है। तो आपको इस क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। इसमें आज का पहला टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ए पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उसके बारे में। लेकिन साफ साफ बात सुन लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन में अच्छा से कंसेप्ट रेडी करें तो 1 से लेकर 5 तक जो भी लेक्चर हैं उन्हें आराम से देख लें। फिर कैसे मिलेगा आपको, तो या तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए या इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको हम लिंक भेज देंगे। लाइव क्लास में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका कंसेप्ट समझते हैं। दोस्तों में शेयर कर दीजिए थोड़ा सा इस क्लास को, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, बहुत शिकायत है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज, यही कहेंगे। तो समझिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ही मेरा तो मेन हथियार है, उसी से सारा काम बनता है। लिखेंगे यहाँ पे कंसेप्ट में लेट, मान लिया, देखिए पहले कंसेप्ट समझा रहे हैं। मान लिया एक्स इज इक्वल टू एफ टी एक फंक्शन है एंड और y इज इक्वल टू जी टी एक दूसरा फंक्शन है। क्लियर, x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे है। देखिए r फंक्शंस, r फंक्शंस, हिंदी इंग्लिश की टेंशन मत लीजिए, फंक्शंस ऑफ वेरिएबल t, वेरिएबल टी का ये फंक्शन है। यहाँ पर टी को बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करना है, क्लियर। और इस फंक्शन एक्स और वाई यहाँ पे कहलाते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म वाले फंक्शन, मतलब एंड यहाँ पे दीज फंक्शंस आर सेड टू बी इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इस चीज को समझने का प्रयास करना काफी जरूरी है। कह रहा है कि मान लीजिए कि x इक्वल टू एफ टी एक फंक्शन है, फिर y इक्वल टू जी टी एक फंक्शन है और फंक्शंस ऑफ वेरिएबल t। देखिए x भी t के रूप में फंक्शन है और y भी t के फॉर्म में फंक्शन है, मतलब x और y दोनों क्या है, t का फंक्शन है। तो यहाँ वेरिएबल क्या हो गया, t हो गया। यहाँ पे t को बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। तो एंड दिज फंक्शंस आर, और इस दोनों फंक्शन को बोलते हैं कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। बात समझिए, एग्जाम्पल और भी लेकर आपको समझाते हैं। जिससे एग्जाम्पल देखिए, x इक्वल टू टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 1/t, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ए साइन थीटा लिख दीजिए, y इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो देखिए इसमें आपने क्या देखा कि ये t के रूप में फंक्शन है, ये थीटा के रूप में फंक्शन है। तो यहाँ पे ये x और y जो दोनों फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पे t के रूप में फंक्शन दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। यहाँ पे क्या है, थीटा के रूप में परिभाषित है, यही पैरामेट्रिक फॉर्म में ये फंक्शन है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा कि दो गो फंक्शन दिया रहेगा और दोनों क्या रहेगा, एक सेम वेरिएबल से जुड़ा रहेगा। यहाँ पे x और y दो फंक्शन दिया गया है, x भी थीटा के रूप में है, y भी थीटा का माने फंक्शन है। यहाँ पर x और y दो फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो दो फंक्शन दिया रहेगा और दोनों किसी एक वेरिएबल से जुड़ा रहेगा, किसी एक वेरिएबल के रूप में परिभाषित रहेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं।
तो चलिए अब इस टाइप के फंक्शंस का, जैसे मतलब ये फंक्शन हो गया, तो यहां से कहा जाएगा आपको कि डी वाई बाई आप डी एक्स कैसे निकालेंगे, यहां से कहा जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स आप कैसे निकालेंगे। तो यही कंसेप्ट सीखना है हम लोगों को, राइट। चलिए उस कंसेप्ट को सीखा जाए और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा जाए। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए प्लीज़। पहली बार आए हैं तो रेड बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा ऐसा अपडेट मिलता रहे। चलिए मेथड जानते हैं। यहाँ पे मेथड बहुत पुराना है। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू क्या है, एफ टी है, तो इसलिए डी एक्स बाई डी टी करेंगे। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एफ टी बाई डी टी। और एक बार डिफरेंशिएशन करने का मतलब मान लीजिए कि फंक्शन जो आया वो एफ डैश टी आ गया, तो ये मिल गया आपको डी एक्स बाई डी टी। बस घबराने की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डी एक्स बाई डी टी का मान मिल गया एफ डैश टी, क्लियर। मतलब ये जो फंक्शन दिया था उसको क्या देखा हमने कि ये टी के फॉर्म में है, इसलिए टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये मिल गया। फिर लिखेंगे यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या है, वाई इक्वल टू जी टी है। वाई इक्वल टू क्या है, जी टी है ना। तो वाई इक्वल टू जी टी है तो क्या लिखेंगे, इसलिए डी वाई बाई डी टी बराबर क्या होगा, डी जी टी बाई जी टी, मतलब जी डैश टी है ना। तो क्या मिला हमको, डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, सॉरी डी टी क्या मिला, जी डैश टी मिल गया। क्या मिल गया हमको, जी डैश टी मिल गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए इससे और इससे हम लोग काम क्लियर करेंगे। नाउ डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कंसेप्ट बनाने में समय लगता है बालक, और जब कंसेप्ट बन जाता है ना तो आपको पता है ना कि जब हम पढ़ाते हैं बढ़िया से तो क्वेश्चन कैसे आराम से बनता है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना, और बाई डी एक्स वाई डी टी। क्या ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या, कई क्यों लिखेंगे ऐसा। देखिए तो डी टी बाई डी टी कट जाएगा तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बात ये भी है। तो चलिए ऐसा इसलिए लिख रहे हैं हम लोग कि डी वाई बाई डी एक्स का मान हमको मालूम चल चुका है कि जी डैश टी है, इसका मान मालूम चल चुका है कि एफ डैश टी है। तो क्या मिला आपको, डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल गया। तो यहाँ पे समझने की आवश्यकता आपको है, क्लियर, समझने की आवश्यकता है आपको, और यही क्या देगा आपको, फाइनल आंसर देगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट हुआ। मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये बात नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मेरे विद्यार्थी आप लोग हैं ना, पांच लेक्चर देख के आए हैं ना, आपको विश्वास होगा ना कि सर आप समय लेते हैं लेकिन जब बताते हैं साहब ठोक बजा कर बताते हैं, मतलब मतलब पूरा क्लियर बताते हैं, ये बात तो आपको पता ही है ना। तो जब पता है तो फिर देर काहे का। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बड़े आराम से, इसको मिटाते हैं और फटाफट चार पांच क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तो फिर आपके जैसा हीरो कोई नहीं रहेगा इस टॉपिक पर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन करें कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलिए यहाँ दिया है, पहले क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये हो गया। चलिए सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाए। सॉल्यूशन यहाँ पे किस रूप में दिया गया, ये थीटा के फॉर्म में दिया गया है, ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म है, देख रहे हैं ना, एक्स भी थीटा के रूप में है, वाई भी थीटा के रूप में है। चलिए लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या है, x x क्या चीज बराबर a cos थीटा, इसलिए dx एक्स बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a कॉन्स्टेंट है, और cos का क्या हो जाएगा, माइनस
साइन हो जाएगा। तो ये मिल गया आपको माइनस ए साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर आपको ये मिल गया। फिर लिखते हैं क्या, देखिए जो थ्योरी पढ़ाते हैं उसी के बेस पर क्वेश्चन बनाते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अगेन पुनः आ जाइए, y इज इक्वल टू क्या है, b साइन थीटा है, इसलिए डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, b बाहर हो जाएगा, d साइन थीटा बाई डी थीटा। तो ये देखिए क्या होगा, b गुने साइन का कितना होता है, कॉस होता है ना डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा का मान आपको मिल गया। चलिए सॉरी थीटा लिखेंगे यहाँ पे। अब लिखेंगे नाउ, अब क्या है, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा बाई टी एक्स बाई डी थीटा है ना, ऐसे। तो इस प्रकार से हम लोग इसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बताए थे ना हम, इससे बेनिफिट क्या मिला हमको, इसका मान कितना है बी कॉस थीटा, इसका मान कितना है माइनस ए कॉस साइन थीटा। तो देखिए माइनस बी बाई ए कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, और यहीं क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यहीं क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए यहाँ से हम लोग बड़े आराम से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले समझ लीजिए फिर से एक बार, ये दिया था, ठीक है, ये दिया था आपका, क्लियर। इसे क्या किया हमने, डी एक्स बाई डी थीटा निकाला। यहाँ देखिए ये आपका दिया था, इसे क्या निकाला हमने, डी वाई बाई डी थीटा निकाल दिया, क्लियर। तो अब ये निकाला हमने, ये निकाला हमने डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करना है, बताया था हमने कि डी वाई बाई डी थीटा लिखिए, डी एक्स बाई डी थीटा लिखिए, इसका मान लिखा हमने यहाँ पे, यहाँ से उठाकर इसका मान लिखा हमने, यहाँ से उठाकर माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, आंसर आ गया। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन लेके कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं, राइट। घबराने से थोड़े कुछ होगा, चलिए देखिए यहाँ पे। देखिए x बराबर a log t, y इज इक्वल टू b sin t। चलिए कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, a log t है, इसलिए dx बट्टा dt, t का फंक्शन है ना, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a d log t बाई डी टी, मतलब ए गुने लॉग टी का मतलब क्या होता है, वन बाई टी। तो चलिए ए बट्टा क्या होगा, ऐसा ही रहने दीजिए, अच्छा करेगा रहेगा बाद में। तो ए इंटू वन बाई टी, इसका हो गया डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू। यहाँ पे सवाल होता है कि सर आप टी के रिस्पेक्ट में क्यों किए हैं, तो आपको पता है कि टी का फंक्शन है ना, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग कर लेंगे। चलिए अब ये मिल गया, अब फिर लिखेंगे अगेन, अगेन आ जाइए यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या है, b साइन t है, इसलिए डी वाई बाई डी टी, बी डी साइन t बाई डी टी क्या हो जाएगा, b साइन का कितना होगा, cos होगा, तो b cos t क्या होगा, b cos t हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब लिखेंगे नाउ, लिखेंगे यहाँ पे नाउ, अब क्या है,
डी वाई बाई हम डी एक्स की बात करना चाहते हैं, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो देखिए टी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, है ना, क्लियर, बात समझ रहे ना, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका मान देखेंगे, इसका मान देखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, इसका मान तो आया है बी कॉस, बी कॉस थीटा, और इसका मान कितना आया है, ए गुने वन बाई टी आया है। तो यहाँ दिख क्या रहा है हमको, बी बाई ए हो जाएगा और वन बाई टी है, यहाँ पे वन बाई टी है, मतलब टी आ जाएगा ऊपर, कॉस कॉस टी, और यहीं क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं बढ़िया से, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप आराम से बना सकते हैं, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है इस चीज़ का। चलिए आगे भी देखते हैं कि आगे भी कुछ कंसेप्ट है कि नहीं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा। चलिए सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा, इसलिए डी एक्स बाई क्या निकालेंगे हम लोग, डी थीटा, क्यों, क्योंकि वो थीटा का फंक्शन है, क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा प्लस डी कॉस टू थीटा बाई आगे वाला पार्ट नीचे होता है ना, बताया कि नहीं बताए थे, गुना अप्लाई करेंगे चैन रूल तो डी टू थीटा बाई डी थीटा। चलिए फटाफट थोड़ा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखिए यहाँ पे कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस साइन थीटा प्लस इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू थीटा गुने दो। चलिए अब इतना तक तो आगे बढ़ा सकते हैं हम चाहें तो, एक स्टेप, माइनस साइन थीटा माइनस टू साइन टू थीटा, ठीक है। फिर लिखिए अगेन पुनः y इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा, यही ना है, यही ना है, इसलिए डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा। देखिए अब सिंपल समझिए, तो साइन का कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा तो पक्का बन जाएगा, प्लस साइन का कितना होता है, साइन का होता है कॉस, अब जो गुणांक है उससे गुना करते हैं इसमें, इधर ट्रिकली बताया कि नहीं बताए थे, अब छठे लेक्चर पे हम लोग हैं तो ट्रिकली तो समझना चाहिए ना, ये हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे नाउ, नाउ डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसे। तो देखिए क्या होगा, इसका क्या होगा, कॉस थीटा प्लस टू कॉस टू थीटा बाई इसका क्या है, माइनस साइन, माइनस कॉमन कर लीजिए तो साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा हो गया आंसर माइनस। और देखिए और इस माइनस को यहीं बैठा सकते हैं, इस माइनस को हम लोग यहाँ लगा देंगे और यहीं क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बड़ी चीज़ नहीं है ये, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझना काफ़ी ज़रूरी है, आराम आराम से बहुत सारी चीज़ें हम लोग आराम से सीख सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ सीखने के बाद अब हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी करना सीखते हैं, उसे भी समझते हैं, ठीक है ना, उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो नया टॉपिक है, नया हेडिंग बनाना है, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज दिया रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए सॉल्यूशन किया जाए क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन द्वारा आएगा
कर रहा है कि क्वेश्चन इफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ऐसे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या है, साइन x है ठीक है प्लस साइन x प्लस साइन x प्लस आगे भी बहुत सारा कर सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी तक है। देखिए जब इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी की बात आ गई है तो आप लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ। हिंदी क्या हुआ, स्क्वायरिंग का मतलब होता है वर्क करना, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि सर हिंदी नहीं लिखाते हैं, तो वो आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो हिंदी आप नहीं सुन लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो चलिए वर्क करते हैं। देखिए वर्क करने पर क्या होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा और एक रूट गायब हो जाएगा। वर्क करने पर क्या होता है, रूट गायब हो जाता है, तो साइन एक्स प्लस और फिर वही चीज़ बच रहा है आपको, साइन एक्स प्लस फिर रूट अंडर साइन एक्स प्लस फिर बहुत सारा लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो, तीन गो चार गो पाँच गो लिख सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी तक है तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स तो ठीक है, ठीक है प्लस ये सब किसके तरह दिख रहा है, वाई की तरह नहीं दिख रहा है, तो जब बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे हम लोग वाई। चलिए बात खत्म, अब ये मिल गया हमको। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन करने पर। चलिए हो जाएगा, सब हो जाएगा, थोड़ा सा कट कर रहे हैं तो हो जाएगा। देखिए हम इन्फिनिटी तक है। चलिए दोनों तरफ x के सापेक्ष में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। देखते चलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ y स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई गुने डी वाई बाई डी एक्स, अप्लाई कर दिया चेन रूल, बराबर इसका कितना होगा साइन का cos x प्लस क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए क्या हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इसको ले घटा सकते हैं बिल्कुल। तो क्या करेंगे, घटाएंगे हम लोग कैसे, ये हो जाएगा टू आई गुने डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये है ना, इतना कितना क्लियर है। अब देखिए कॉमन क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स टू आई माइनस वन बराबर कॉस एक्स, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स बटा टू आई माइनस वन, कॉस एक्स बटा टू आई माइनस वन, और वाई हमेशा इन्वॉल्व रहेगा इसमें, जहाँ पर वाई का मान क्या है ये है, तो इतना ही आंसर आएगा आपका। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो सारे क्वेश्चन आपसे, यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक चीज लिखे हैं, क्या कोई चीज डेरिवेटिव क्या लिख दिए हम यहाँ पे, डेरिवेटिव बहुत सारा बड़ा चीज लिख दिए क्या, डेरिवेटिव ऐसे डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। चलिए तो बहुत क्या होगा कि ऐसा ही आंसर आएगा, ट्रिक भी सीखते हैं हम लोग अच्छा से। यहाँ पे देखिए यहाँ आइए ट्रिक ये है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस इन्फिनिटी तक ले, ऐसा दिया है तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रिकली आराम से एफ डैश एक्स लिख दीजिए बट्टा टू वाई माइनस वन। बस ये ट्रिक आपके लिए बन गया एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड काफ़ी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक देते हैं टेन एक्स रूट वाई बराबर, मान लीजिए रूट के अंदर टेन एक्स प्लस रूट के अंदर टेन एक्स है ना ये, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले लिखिएगा टू वाई माइनस वन और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक सेकेंड काफ़ी है तो टिक मारना रहेगा ना आपको, बन जाएगा आपसे। चलिए आते हैं अभी इनफाइनाइट सीरीज में एक और टाइप के क्वेश्चन पे, वो भी आपके लिए काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया है साइन x का पावर x, साइन x का पावर साइन x का पावर साइन x इन्फिनिटी तक ले, पावर वाला है ये तो लॉग पक्का आएगा इसमें। चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं, y इज इक्वल टू क्या है साइन x का पावर साइन x का पावर साइन x इन्फिनिटी तक ले है, तो ये करते क्या है यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन x लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, और बाकी जो बच रहा है ना उसके लिए क्या करते हैं हम लोग y लिखते हैं। इन्फिनिटी तक है तो कोई दिक्कत नहीं, एक साइन को ढक लिया फिर वो सही दिख रहा है ना आपको, फिर y की तरह दिख रहा है ना, देख रहे हैं ना y की तरह दिख रहा है, सब के बदला y लिख सकते हैं हम लोग। तो चतुराई क्या है कि एक साइन ढक, एक फंक्शन ढक लेंगे बाकी सब जगह y लिख देंगे। चलिए अब यहाँ से कल सिखाए थे हम नेक्स्ट मैंने पिछले लेक्चर में लॉग वाले लेक्चर में कैसे ट्रिकली बनाते हैं हम लोग, तो लिखेंगे इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, बोले थे सेम टू सेम लिख दीजिए, सेम टू सेम, सेम टू सेम लिख दीजिए पहले क्या चीज़ साइन एक्स का पावर वाई, फिर बोले थे ऊपर वाला फंक्शन बट्टा नीचे वाला फंक्शन, बताया था ना गुने ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन गुने क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा ऊपर वाला फंक्शन गुने नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन गुने नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस प्लस क्या होगा नीचे वाले फंक्शन में लॉग लगाते हैं लॉग साइन एक्स और गुना और गुना क्या करते हैं हम लोग बोलिए गुना ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये कोई पुराना चीज नया चीज नहीं पुराना चीज है। चलिए अब क्या होगा देखिए साइन एक्स का पावर वाई गुना गुना कर लेंगे इसे कॉस बटा साइन वाई हो गया कॉस बटा साइन क्या होगा कॉट होगा कॉट एक्स प्लस फिर से गुना कीजिए साइन एक्स का पावर वाई गुने लॉग साइन एक्स गुने डीवाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का खेल है तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो चलिए इसको ले आके घटाएंगे इधर घटाएंगे देखिए घटाएंगे तो घटाएंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस इतना इतना तो कमन कर लीजिए पहले यहाँ पर आराम से तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा वन माइनस साइन एक्स के पावर वाई साइन एक्स के पावर वाई क्लियर बात समझ गए ना साइन एक्स के पावर वाई हो गया उसके बाद लॉग साइन एक्स हो गया बराबर
साइन एक्स, एक आप एक बात समझ सकते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बाद में समझाते हैं। साइन एक्स के पावर वाई, ठीक है, ये हो गया गुने वाई कॉट एक्स, ये ना हुआ। अब सुनिए एक बात बताइए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, देखिए क्या होगा। तो हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं क्या होगा, ये कॉट एक्स है हुआ, क्या है ये कॉट है, आप देख सकते हैं, मतलब अब दिक्कत हो तो समझा सकते हैं आपको, ये क्या है वाई गुने कॉट एक्स है प्लस, ठीक है ऐसे। चलिए सुनिए, तो क्या हो जाएगा इतना बताइए, अब सुनिए, क्या हम लोग चाहें तो इसको y लिख सकते हैं, y लिख देंगे तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर बट्टा नीचे देखिए 1 माइनस, इसका जगह भी y लिख सकते हैं हम लोग y log साइन x, और यही क्या हो गया, और फिर क्या है यहाँ पे cot x भी है, cot x, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एक और तरीका से बनाते हैं हम इसे, एक और तरीका अप्लाई करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है ये दिया गया है, तो y इक्वल टू क्या होगा, ये तो बात क्लियर है कि साइन x का पावर y होगा, लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर log y बराबर log साइन x का पावर y, चलाएगा पीछे y log साइन x, दो फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो log y लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन करने पर तो क्या होगा, देखिए दिमाग से काम कीजिए, इसलिए इसका क्या बताए थे 1 बाई वाई हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स बराबर, दो फंक्शन है, एक फंक्शन यहाँ पे है एक फंक्शन यहाँ पे है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले फंक्शन को छोड़ेंगे दूसरे का होगा डिफ्रेंशिएशन, तो 1 बाई log है तो log का काम उल्टा होता है साइन x इंटू कॉस x होगा ना ये, प्लस log साइन x को बाहर करेंगे गुने dy वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, इसमें क्या है dy वाई बाई डी एक्स है, इसको भेजेंगे इधर तो क्या होगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस log साइन x dy वाई बाई डी एक्स बराबर y cos बट्टा साइन कितना होता है cot x होता है। अब dy वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए जोड़ बट्टा का जोड़ भी कर लीजिए, 1 बट्टा वाई है इतना है तो y से इसमें गुना हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई log साइन x बराबर y cot, इतना बट्टा भी होगा ना y यहाँ पे y cot x, या देखिए सबसे पहले जाके गुना हो जाएगा इसमें, तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमको, पहले गुना कर लीजिए y स्क्वायर हो जाएगा cot x बाई 1 माइनस वाई log साइन x, बस कैलकुलेशन है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही ना आया था। तो इस तरीके से भी आप ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, समझ रहे ना। देखिए इसके लिए ट्रिक है, लेकिन ट्रिक ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला रहेगा, इसलिए ऐसा ट्रिक इससे क्वेश्चन पर ट्रिक के लिए आप दिमाग मत लगाइए, अच्छा रहेगा, समझ में है ना बात, यही कहेंगे हम, ऐसे काम नहीं करना है आपको, वो बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए कुछ बातें समझिए, जैसे y इज इक्वल टू दे देगा
लॉग एक्स, देखिए यहाँ पे अच्छा से, प्लस फिर रूट ओवर लॉग एक्स, प्लस फिर से रूट ओवर लॉग एक्स प्लस ऐसे, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स, बात समझिए कुछ बताना चाहते हैं आपको, प्लस रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, है ना। अच्छा, इसी दो क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का पावर लॉग एक्स का पावर लॉग एक्स, है ना, इन्फिनिटी तक ले। वैसे ही y इक्वल टू कॉस एक्स का पावर कॉस एक्स का पावर कॉस एक्स का पावर कॉस एक्स, इन्फिनिटी तक ले। अब ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा, बोलिएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो बहुत जल्दी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो निकाल क्या तरीका बताया था हमने कि इस नीचे लिखिए 2y माइनस 1, क्लियर, और इसका क्या होगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, क्लियर। चलिए इसका आंसर कैसे, इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, लिख सकते हैं 1 बाई एक्स आ जाएगा नीचे, एक्स इंटू 2y माइनस 1। अच्छा, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे, नीचे रहेगा 2y, लिखेंगे यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स बराबर 2y माइनस 1, क्लियर, 2y माइनस 1, और इसका क्या होगा cos का माइनस साइन x, क्या माइनस साइन x। अब सुनिए बात को बढ़िया से, बात यह है कि आराम से एक सेकंड में बनिया क्वेश्चन है, क्या इसके लिए भी हम लोग ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं, ट्रिक अप्लाई नहीं करने वाले, नो ट्रिक, ट्रिक है लेकिन यहाँ पे ट्रिक आपको नहीं बताने वाले हैं, सो कन्फ्यूजिंग ट्रिक, सो जो कन्फ्यूजन होता है ट्रिक है लेकिन ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है, समझ में आए ना बात। तो सुनिए, आप लोग आराम से जाकर इन दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से मेथड से बनाइए, इनको ही जाके मेथड से बनाइए, बस यही कहना चाहेंगे, मेथड से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद एनसीईआरटी का बुक होगा, एनसीईआरटी का बुक होगा, एनसीईआरटी के बुक में आगे देखिएगा 5.6 एक एक्सरसाइज है, जाके उसे आप लोग बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, काफ़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस उसमें के बन जाएंगे। तो देखिए यह क्लास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और सुनिए लाइव क्लास में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, सब कुछ बताया जाएगा आपको। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे अलविदा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आगे बढ़ें, अच्छा करें। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स काफ़ी अच्छा से बनाइए, इतना बढ़िया नोट्स बनाइए, इतना बढ़िया नोट्स बनाइए कि एक बार देखने पर सारा चीज़ याद हो जाए। और आपको बता दें कि बड़े मेहनत से हम, काफ़ी मेहनत करके बहुत सारा चीज़ हम सिखाते हैं, बहुत सारा चीज़ समझाते हैं, नोट कर करके बहुत स्टडी करके, और आपके लिए चाहते हैं कि आपका जो कंसेप्ट हो, आपका जो करियर हो, वो आपका अच्छा से बने और आप नॉलेजिस्ट बने, पावरफुल बने, तो इसी इच्छा के रख के हम बहुत सारा मेहनत करते हैं, अपना संकल्प डालते हैं अपने मन में कि बच्चों के लिए बहुत सारा चीज़ कर लें हम। तो जब हम आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी, मतलब कि कम से कम अच्छा से नोट्स बना के पढ़ाई करें, रिवाइज करें। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, सारे कंसेप्ट लेना है हमारा, दूसरा बुक कोई बना सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सब बन जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।